जी, ई कोरेस्पोंडेंस मीन्स कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जिस जैसे इसने कहा कि हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि जिस कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उस कंप्यूटर से अलग अलग कंप्यूटर अटैच्ड है, राइट। फिर इस वाले कंप्यूटर से अलग अलग कंप्यूटर अटैच्ड है, तो ये एक नेटवर्क, ये दूसरा नेटवर्क, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर से फैच की जा रही है, राइट। इसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरनेट। इंटरनेट और डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म क्या है? क्या दोनों सेम है? कहता है ये तो प्रोटोकॉल्स है, लैंग्वेज है, जिसको यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर की वजह से हम लोग इस नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली दोनों सेम नहीं है। ये क्या है हमारे पास? लैंग्वेज, प्रोटोकॉल कह लीजिए, जैसे कि, ठीक है। कहता है जो ब्राउजर्स आप यूज करते हैं, चाहे वो क्रोम का है, मोजिला का है, फायरफॉक्स का है, सफारी का है, वो ब्राउजर्स एक्चुअल में है क्या? सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम। वो प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज के ऊपर, और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन एसेसिबल बनाई गई है कि अगर इस टाइप के प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन फैच की जाएगी तो यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, जो भी फैच कर रहा है वो इंफॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है जी। तो कहता है www stands for World Wide Web, or simply World Wide Web is the system of interlinked hypertext documents accessed via internet. इसका मतलब इंटरनेट इज समथिंग डिफरेंट, वो तो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन कैसे फैच की जाती है, या इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है नेटवर्क पर वो क्या है? पूरा वर्ल्ड इस वेब से जुड़ा हुआ है, इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। और बेसिकली क्या यूज किया जाता है? प्रोटोकॉल्स, HTTP, HTTPS, मतलब लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट टू ट्रांसमिट द डेटा। तो जो ये ब्राउजर्स आप यूज करते हो, ये ब्राउजर्स एक्चुअल में क्या है? प्रोग्राम्स, राइट। वन कैन एसेस वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। अच्छा, ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? कहता है जिसको क्लिक करके हाइपरलिंक दूसरे डॉक्यूमेंट तक पहुंचा जा सकता है। तो हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, वहां पर जो भी लिंक्स होते हैं हमारे पास, उन्हीं के थ्रू हम और वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, राइट। तो सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, राइट। वरना तो एक ही पेज खुलेगा और वही पेज आप देखिए, आगे जा ही नहीं सकते। वेब डॉक्यूमेंट ऑल्सो कंटेन्स ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट एंड वीडियोज। ब्राउजर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, दोबारा से रिपीट करूँ, ब्राउजर क्या है? एक प्रोग्राम विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको बकायदा ब्राउजर के पीछे की कोडिंग थोड़ी ना दिखाई देती है, आपको तो सिर्फ एक इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे क्रोम आपने ओपन किया तो आपको तो सिंपल एक ग्राफिक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ग्राफिक इंटरफेस बनाने के लिए जो कोडिंग की गई है वो आपको थोड़ी ना डिजाइन दिखाई दे रही है, राइट। फॉर डिस्प्लेइंग HTML, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फाइल्स यूज टू नेविगेट द वर्ल्ड, राइट। www, ये दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट द सेम थिंग। वेब मीन्स अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स
containing information in the form of graphics, sound, text and videos. This information can be accessed using internet, means network of computers. Internet is a global system of interconnected computer network, and web is only one of the services, that runs on the internet. दूसरी कोई सर्विस जो आप इंटरनेट पे रन करते हैं? व्हाट्सएप. व्हाट्सएप क्या है? एक ऐसी सर्विस जो आप किस पर यूज करते हैं? इंटरनेट पर. भाई जो भी व्हाट्सएप के सर्वर्स हैं वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, राइट? तो वेब तो नहीं है वो, वेब पेजेस तो नहीं है, एप्लीकेशन है, लेकिन वो एप्लीकेशन हम इंटरनेट की वजह से यूज कर पा रहे हैं, राइट? तो वेब पेजेस तो सिर्फ एक ही सर्विस है, ऐसी हजारों चीजें हैं जैसे कि गूगल मैप इंटरनेट पर यूज कर पा रहे हैं. अब अगेन वो वेब पेजेस तो नहीं है कायदे से, राइट? ऑल दो वेब पेजेस में मैप इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, लेकिन खाली अगर आप मैप देखो तो जो मैप का इंफॉर्मेशन है, मैप से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो वेब के थ्रू एसेस की जा रही है, राइट? तो कहता है जी ये तो सिर्फ एक सिंगल सर्विस है. आप ये नहीं कह सकते इंटरनेट और वेब पेजेस सेम चीज है, राइट? इंटरनेट पर वेब पेजेस है, दोनों सेम नहीं है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, टेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज लिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल्स ट्रांसमिटेड बाय वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स. इन शॉर्ट, वेब कैन बी थॉट ऑफ एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन एन ऑन द इंटरनेट. ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है जी? कहता है इलेक्ट्रॉनिकली जो हम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं बेसिकली किससे? ईमेल कह लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस. तो कुल मिला के चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या है? सिर्फ ईमेल. आपको ईमेल लिखनी सिखाई जा रही है, ईमेल लिखते हुए क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने वो बताए जा रहे हैं, ईमेल लिखने के बेसिकली कंसेप्ट्स क्या फॉलो करने वो बताए जा रहे हैं, राइट? आ जाओ जी. ईमेल इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग या रिसीविंग अ डिजिटल फाइल और द मैसेज टू अनदर मेल बॉक्स बाय अ मॉडम यूजिंग वायर्स और इंटरनेट, राइट? फीचर क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन यूजिंग HTML. जो आप ईमेल लिख रहे हैं आप तो सिंपल वर्ड मतलब लिख रहे हैं, लेकिन जब हम उसे सेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वेब पेज में कन्वर्ट होकर स्टोर हो रहा है, और वही इंफॉर्मेशन जिसको आपने मेल सेंड करी है वो फेच कर पा रहा है, राइट? तो अल्टीमेटली यहाँ भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कॉस्ट इफेक्टिव. अलग अलग टाइप के ईमेल के पैकेजेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी मेल्स के ऊपर स्पैम मेल्स भी आती है या फिर प्रमोशन मेल्स भी आती है. क्या उसके अंदर प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, फोटो भी लगी होती है, प्रॉपर लिंक्स भी होते हैं, सब कुछ होता है? क्या आप जीमेल के थ्रू वो चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही भेज सकते हैं? कहता है अलग अलग टाइप के पैकेजेस होते हैं ईमेल्स के भी, राइट? तो डिफरेंट पैकेजेस कैन बी टेकन बाय यूजर्स विद डिफरेंट सर्विसेज. इंटरफेस, आप वर्ड में से कॉपी करो कोई भी टेक्स्ट और एज इट इज मेल के ऊपर कॉपी कर सकते हो. फॉर्मेटिंग भी साथ में कॉपी होती है. कहता है यस, फॉर्मेटिंग भी साथ में कॉपी होती है, आप करके देखना. वर्ड फाइल की जो फॉर्मेटिंग है, जब आप उसे एज इट इज कॉपी करके मेल के ऊपर कॉपी करोगे तो एज इट इज कॉपी हो जाता है. तो वो क्या है? एक इंटरफेस, वो भी एक कोडिंग है, राइट? बिटवीन ईमेल प्रोग्राम एंड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. अटैचमेंट्स तो आपको पता ही है, स्पैम फोल्डर्स जिसमें जंक मेल्स आती है, कस्टमाइज्ड सिग्नेचर. ईमेल पे आप अपना सिग्नेचर लगा सकते हो. सिग्नेचर लगाने का क्या मतलब है? वहाँ पर जीमेल के ऊपर कभी सिग्नेचर लगा के देखा है आपने? घर जाके आज सर्च करना हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर ऑन जीमेल, तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी. तो वहाँ पर हम अपना नाम डाल सकते हैं, अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, राइट? और हम जब भी मेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेल के नीचे वो लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो क्या हो गया? हमारे सिग्नेचर. उसकी लीगल वैलिडिटी है. जब मेल के ऊपर वो लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो लो मान के चलेगा कि आपने ही वो मेल करी है, चाहे आपने करी हो या ना करी हो, तो वो आपके एज ए सिग्नेचर वर्कआउट करते हैं, राइट?
फिर सर्च ऑप्शंस होती है हमारे पास मेल्स के अंदर। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है, आप चाहो तो बैकअप ले सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव पर बैकअप, व्हाट्सएप का बैकअप लेते हो, आता है बार बार ऑप्शन, वो क्या है क्लाउड स्टोरेज, राइट। जैसे अमेजन भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है सर, आप बैकअप ले सकते हो, बाद में उसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। पर क्लाउड वर्ड क्यों यूज किया सर, वो सैटेलाइट से होता है। कहता क्लाउड स्टोरेज का मतलब पूरे के पूरे क्लाउड्स बने हुए हैं सर्वर्स के, जिन्हें सर्वर फार्म्स कहा जाता है। एक एक जगह पर एक एक हजार सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है। कभी यूट्यूब पे जाकर गूगल का सर्वर रूम करके सर्च करना, तो वो आपको गूगल का सर्वर रूम की वीडियो दिखाएगा। आप देखोगे ऐसे सर्वर रखे हुए हैं जैसे, मतलब इतनी एक एक किलोमीटर लंबी बिल्डिंग्स के अंदर सिर्फ सर्वर ही सर्वर, तो पूरे क्लाउड्स बना दिए गए हैं, राइट। तो उन्होंने नाम क्या दिया गया कि सिंगल सर्वर पे नहीं, क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। हो सकता है कुछ कंटेंट यहाँ गया हो सकता है कुछ कंटेंट यहाँ गया हो सकता है कुछ कंटेंट यहाँ गया हो। अच्छा, आपको ये बात पता है, जब हम इंटरनेट के ऊपर डेटा रिट्रीव करते हैं, फैच करते हैं या स्टोर करते हैं, तो हमारी सारी फाइल एक जगह स्टोर नहीं होती। हमारी फाइल्स जो हम अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, फोटोज अपलोड कर रहे हैं, वो पूरी फाइल ब्रेक हो जाती है। बाइनरी सिस्टम पता है, ठीक है। इसी तरह सारी फाइल्स ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होकर जरूरी नहीं है आपकी फाइल एक ही जगह पर हो। जैसे फेसबुक के ऊपर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी फोटो जरूरी नहीं है एक ही सर्वर पर स्टोर्ड हो। उसके अलग अलग पार्ट्स, 1000 पार्ट्स भी हो सकते हैं, और वो 1000 अलग अलग सर्वर पर भी स्टोर हो सकते हैं। फिर जब आप अपनी फ़ोटो दोबारा देखना चाहेंगे, तो वो सारे पार्ट्स अलग अलग सर्वर से फैच कर कर आपको एक सिंगल फ़ोटो दिखाई जाती है। तो बेसिकली कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, कहते हैं जी क्लाउड में। इतने सारे सर्वर्स के ऊपर डेटा स्टोर हो रहा है, किसी एक सिंगल सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, राइट। तो जब फाइल फैच करते हो, मेन इसका लॉजिक क्या था, कहता है जी 1 GB की वीडियो एक सिंगल सर्वर के ऊपर स्टोर कर दी, और उस वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं, तो सारा बर्डन किस पे आ गया, सिंगल सर्वर पर। लेकिन अगर उसी वीडियो को 1000 सर्वर्स पर ब्रेक करके स्टोर कर दी, तो जितने भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, लोड कितने सर्वर्स पर डिवाइड हो गया, 1000 सर्वर्स पर। बात समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, 1000 सर्वर पर सिर्फ लोड डिवाइड नहीं हुआ, आप शुरुआत की 1 मिनट की वीडियो देख रहे हो अभी, वो एक्स सर्वर पर है। कोई और अगली नेक्स्ट 1 मिनट की वीडियो देख रहा है, वो वाई सर्वर पर है। तो दो लोग एक साथ भी देख रहे हैं, तब भी अलग अलग सर्वर पर लोड जा रहा है, राइट। तो कंसेप्ट लाया गया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड सर्वर्स का, कि वीडियो या बड़ी जो फाइल्स है, हैवी जो बैकअप है, वो एक सर्वर पर स्टोर करना ही नहीं है, अदरवाइज चलेगी ही नहीं वीडियो। आपको क्या लगता है, यूट्यूब जो आप वीडियो अपलोड करते हो, वो सिंगल सर्वर पर स्टोर करता है? सर्वर की तो कैपेसिटी है ना, 300 GB, 400 GB, 500 GB, 600 GB, 1000 GB का मान लो, 2000 GB का मान लो, 5000 GB का मान लो सर्वर, राइट। 5000 GB में भी कितनी वीडियोज आपके हिसाब से स्टोर हो जाएगी? यूट्यूब पे तो कई हजार करोड़ वीडियोज पड़ी है, और एक वीडियो को अगर एट ए टाइम यूट्यूब पे कोई हिट वीडियो है, तो आप देखो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर लगभग 1 लाख वीडियोस वॉच हो चुकी है। उस वीडियो को लगभग 1 लाख लोग वॉच कर चुके हैं जो ट्रेंड में होती है। 1 लाख लोग एक ही सर्वर से डेटा फैच करेंगे तो सर्वर चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कंसेप्ट क्या लाया गया था, बात समझ में आ गई है। आपके हर फाइल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जब आप अपलोड कर रहे हो, तो जो कहते हैं ना प्रोसेसिंग हो रही है, वो प्रोसेसिंग क्या होती है, एनकोडिंग हो रही होती है। जो आपने अपलोड किया उसको एनकोड कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसे अलग अलग सर्वर्स के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है। जब आप उसे फेच करते हो, तो अलग अलग सर्वर से फाइल निकाल कर आपको एक सिंगल फाइल बनाकर दिखाई जाती है, राइट। हाँ जी, कैन बी एसेस्ड एनीवेयर एनी टाइम यूजिंग इंटरनेट। ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज। अब देखिए, बेसिकली जब भी ईमेल लिखते हैं हम, तो बड़ा कैजुअल लेते हैं चीज़ों को, पर जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है हमारे पास, ईमेल की लीगल वैलिडिटी है। आप जो भी वर्ड लिखते हैं ईमेल पर, जो भी वर्ड लिखते हैं व्हाट्सएप पर, जो भी वर्ड लिखते हैं आप मैसेज में,
वो सब लीगल डॉक्यूमेंट है एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और उसका लीगल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा एविडेंस एक्ट के अंदर, राइट? तो बेसिकली सोच समझ कर, इसलिए ऑलवेज यूज प्रॉपर ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, टोन, कर्टेसी, कंटेंट, राइट? अवॉइड, खासकर जब हम ई कॉरेस्पोंडेंस की बात करें, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस की, तो वहां पर अगर आप इमोजी लिख के भेजेंगे, हाँ जी, मेंटेन सेपरेट ईमेल अकाउंट्स फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, अवॉइड स्पैमिंग, इसका स्पैमिंग इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसको सॉर्ट आउट करो, ऐसे नहीं जिस मर्जी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अदरवाइज आजकल क्या होता है कि साथ में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, इस तरह जीमेल का जो भी सॉफ्टवेयर है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा इस ईमेल एड्रेस से तो बार बार अननोन लोगों को मेल जा रही है, और वो फिर आपको किस में शो करना शुरू कर देगा, स्पैम में, राइट? लिमिट, अच्छा एक बार आपको स्पैम में शो करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आपकी सारी मेल सब कहाँ जाएगी, किसी को भी मेल करोगे तो स्पैम में। आप क्या बार बार ईमेल आईडीज चेंज करते रहोगे, वो ईमेल आईडी जो कि आपके विजिटिंग कार्ड्स पर है, जो कि आपके बिजनेस लेटर्स पर है, जो कि आपकी वेबसाइट्स पर है, अगर वीडियो प्रोसेस कर रहे हो तो उस पर आपने ईमेल आईडी डाली, क्या बार बार ईमेल आईडीज चेंज करना पॉसिबल है? तो ईमेल आईडी चेंज करने की कॉस्ट लगेगी, अदरवाइज ईमेल स्पैम में जाती रहेगी, राइट? लिमिट द साइज ऑफ, आजकल जो हमारे पास जितने भी ईमेल के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे जीमेल, आप कुछ भी डाउनलोड करते हो अटैचमेंट तो क्या दिखाता है, पहले स्कैन हो रहा है, वायरस स्कैनिंग होती है, कहता है जितनी बड़ी साइज होगी, एक तो स्कैनिंग की लिमिट हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग, कि जी बस इतनी ही एमबी की फाइल स्कैन करेंगे, उससे बड़ी अगर फाइल होगी अटैचमेंट में तो स्कैन ही नहीं करेंगे, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, सामने वाले को दिक्कत है डाउनलोड करने में, हो सकता है डाउनलोड करे या ना करे, तो हमेशा जो भी आप अटैचमेंट दे रहे हो उसका साइज सोच समझ कर आपको अटैच करना है। और तीसरी चीज़, जब तक फ्री कोटा यूज़ हो रहा है उसके बाद तो आपको पेड लेना पड़ेगा, जैसे जीमेल में भी फ्री कोटा एक लिमिटेड अमाउंट तक है, उसके बाद तो पेड लेना पड़ता है। अभी आप लोगों को ये चीज़ बड़ी वेग सी लग रही होगी, यार पेड ईमेल पर, बिजनेस के केस में जाओगे तो डेली बेसिस पर 100, 200, 300 मेल्स हो रही है, अलग अलग क्लाइंट्स को मेल हो रही है, जिसके अंदर अलग अलग अटैचमेंट्स लग रही है, एक महीने में ही फ्री कोटा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो पेड कह जाते हैं, और पेड के केस में जितना स्पेस यूज़ करोगे उतना पे करना पड़ेगा, राइट? हाँ जी, हैव स्टैंडर्ड सिग्नेचर फॉर योर ऑफिशियल ईमेल, जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, फोन, एड्रेस ऑफ द ऑफिस, रिस्पोंड क्विकली टू ईमेल्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर रिस्पोंड करने की कोशिश करो, ठीक है? एंड मेंटेन एफिशिएंट ईमेल प्रैक्टिस, एफिशिएंट ईमेल प्रैक्टिस का क्या मतलब है, कहता है जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स है आज के टाइम में, उनका मेजर जो टाइम है वो ईमेल चेक करने पर या ईमेल लिखने पर जाता है, हर 5-5 मिनट में चेक करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक प्रॉपर प्रैक्टिस मेंटेन कीजिए कि हर 2 आवर्स के बाद चेक करनी है या 4 आवर्स के बाद चेक करनी है, या फिर ईमेल को प्रॉपरली आप अपने मोबाइल के साथ एसोसिएट कीजिए कि जैसे ही मेल आए इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, राइट? आजकल तो पॉसिबल है। कीप योर अकाउंट क्लीन, डिलीट ऑल्ड यूजलेस मेल्स टाइमली। अच्छा, जब हम मेल करते हैं तो हम जो रिसिपेंट है उसका नाम कहाँ लिखते हैं, टू में लिखते हैं, राइट? सीसी में कब किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मान के चलो मैंने मेल करी भरत को, तो नाम जो ईमेल एड्रेस है भरत का वो किस में लिखूंगा, टू में, किसका कहाँ लिखूँ, टू में। लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी एक कॉपी अर्जुन को भी चली जाए, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस, मैं सिर्फ अर्जुन को ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया मैंने भरत को मेल कर दिया। तो जैसे आप क्लाइंट को मेल करते हो बिजनेस मेल्स के केस में, तो आप सीसी बॉस को लगा देते हो ताकि बॉस की नॉलेज में रहे कि क्लाइंट को हमने मेल कर दिया है, राइट? तो फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस। अच्छा, बीसीसी के केस में कहता है जहां पर हम ये नहीं चाहते कि जितने लोगों को मेल की जा रही है सबके पास सबकी ईमेल आईडी डिस्क्लोज हो, तो जिन लोगों को हम ईमेल आईडीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहते उनको जब मेल करते हैं तो कहां लिखते हैं। सपोज करो मैं आप सबको मेल कर रहा हूं,
क्लास के सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे की ईमेल आईडी का पता चले, वरना एक दूसरे को स्पैमिंग करेंगे या फिर उल्टी सीधी मेल्स करेंगे। तो मैं सबकी ईमेल टू में लिख दूंगा, लेट से भरत का, ठीक है, और बाकी सबकी मेल किस में लिख दूंगा एड्रेस। तो सबके पास मेल तो जाएगी, सबके पास मेल तो जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलेगा कि और किसको मेल की गई है, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत कम कुछ चीज़ें हैं पूछने को एमसीक्यू में। कहता है रिसिपेंट इन टू फील्ड आर मेन रिसिपेंट, मतलब जिनको एक्चुअल में मेल भेजी गई है, जिनको एक्शन लेना है मेल के बेसिस पर। हेयर ऑल द रिसिपेंट्स गेट टू नो अबाउट द ईमेल आईडीज ऑफ ऑल अदर ईमेल। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर टू में ही अर्जुन का भी लिख दिया, भरत का भी लिख दिया, जतिन का भी लिख दिया, सबका लिख दिया टू में ही और मेल कर दी हमने, तो कहता है भरत के पास मेल गई तो उसे साफ दिखाई देगा कि ओ ये किसको कर रखी है मेल, अर्जुन के पास मेल गई तो दिखाई देगा और ये किसको मेल की हुई है, राइट। रिसिपेंट्स इन सीसी फील्ड आर इंक्लूडेड फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, एक रेफरेंस कि जी हमने मेल कर दिया, तो रेफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर रेफरेंस पर्पस ओनली। इसका मतलब जिसका नाम हम सीसी में लिख रहे हैं, जिसकी मेल आईडी हम सीसी में लिख रहे हैं, उसको मेनली मेल नहीं कर रहे, उसको तो बस इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जिस बंदे को मेल करनी चाहिए थी उसको मेल कर दी गई है। एंड रिसिपेंट्स इन बी सी सी फील्ड आर इंक्लूडेड वेन रिसिपेंट्स आर अननोन टू ईच अदर, हेयर ई मेल आई डीज ऑफ ऑल द रिसिपेंट्स आर सीक्रेट। हाँ जी, ई मेल एटिकेट्स, सबसे पहले तो ऑलवेज माइंड योर मैनर्स या माइंड योर लैंग्वेज। मेल भेज रहे हैं तो इतनी कैजुअल मत भेजिए कि सामने वाले को लगे यार कैसा देहाती आदमी है, राइट। डोंट बी इनफॉर्मल विद द पीपल यू डोंट नो, ऑलवेज एड्रेस पीपल यू डोंट नो एज मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, जो भी उनकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, श्री, श्रीमती, राइट। आप डायरेक्ट नाम नहीं लिख सकते, बड़ा ही इनफॉर्मल लगता है, जैसे कि हाँ किसी भाई ने भेजी हो। तो बिजनेस ईमेल्स के अंदर आप किसी का ऐसे नाम नहीं लिख सकते, मिस्टर, राइट। फर्दर कहता है अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना चाहते हो तो फर्स्ट नेम सामने वाला, वैसे हम क्या लिखते हैं, मिस्टर जैन सेकंड नेम लिखते हैं, मतलब लास्ट नेम इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नेम। कहता है फर्स्ट नेम सिर्फ उन्हीं का लिखोगे जिनके साथ आप क्लोज हो और जो फर्स्ट नेम यूज करने में कोई दिक्कत नहीं मान रहे, इफ इट इज ओके विद देम टू डू सो, राइट। वॉच योर टोन, ऑल दो जब आप मेल भेज रहे तो आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लैंग्वेज की टोन भी बहुत कुछ कह जाती है, राइट। तो टोन शुड बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, यू शुड नॉट साउंड कर्ट और डिमांडिंग, बी कंसाइज। कहता है मेल पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा जोर लगता है मेल पढ़ने में, और अगर मेल लंबी लिख दो सामने वाला कहेगा यार टू द पॉइंट बात क्यों नहीं करता। तो क्लियर कट सी बात है कि मेल शुड बी स्मॉल टू द पॉइंट, लेकिन ऐसा भी नहीं कि छोटी लिखने के चक्कर में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वही रह जाए। बी प्रोफेशनल, डोंट यूज एब्रीविएशंस एंड इमोशंस, डोंट यूज अ सजेस्टिव ईमेल एड्रेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। सजेस्टिव ईमेल एड्रेस क्या होता है, जैसे मान के चलो icsi.edu, अब यार इस क्वेरी जनरेट करनी है तो कहाँ करें, चलो एक काम करते हैं support@icsi.edu, तो ये क्या होगी, सजेस्टिव, ये क्या होगी, सजेस्टिव। अगर आप ये मेल आईडी यूज करते हो तो ये तो कोई भी जो बिजनेस पर्सनल एग्जीक्यूटिव है वो सजेस्ट कर ही लेता है कि मेल आईडी अवेलेबल नहीं है तो चलो solution@icsi.edu, queries@icsi.edu या फिर support@icsi.edu इस पर भेज देते हैं। इसका मतलब काम की मेल कमाने वाली है और जंक मेल्स ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि ये तो कोई भी सजेस्ट कर ही लेता है कि यार और कोई मेल नहीं तो ये तो होगी होगी इनमें से, info@icsi.edu, राइट। हाँ जी, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर, डोंट फिल द रिसीवर्स ईमेल एड्रेस।
जो मार्केट में सबसे बड़े प्रोफेशनल्स बैठे हैं, एग्जेक्टिव्स बैठे हैं इस फील्ड के अंदर, उन सब की एक ही कॉमन राय है कि पहले मेल का कंटेंट लिखो और बाद में ईमेल आईडी लिखो जिसको भेजनी है। कभी कभी हम ईमेल आईडी लिखने के बाद मेल का कंटेंट लिखना शुरू करते हैं और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सेंड बटन दब जाता है और मेल या तो इनकम्प्लीट चली जाती है या बिना चेक किए चली जाती है, या जो इंटेंशन थी अभी तक वो पूरी भी नहीं हुई उसके पहले ही मेल चली गई। और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर सॉरी यूजफुल नहीं होता कि मेल कर दी चली यार सॉरी दोबारा भेज रहा हूँ, राइट? तो सबसे पहले मेल का कंटेंट लिखो, व्हेन यू आर वेरी श्योर विद द कंटेंट ओनली देन फिल द रिसीवर्स ईमेल एड्रेस। एडवांटेज ऑफ ईमेल, इजी टू मैनेज, फास्ट, इनएक्सपेंसिव, इजी टू फिल्टर। फिल्टर होते हैं मेल्स वगैरह पे, राइट? फिल्टर के अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हो, विद अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट, लास्ट 7 डेज की, लास्ट 2 डेज की, राइट? नेम्स के थ्रू सिक्योर एंड रिलायबल एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन क्या 100% सिक्योर है? द आंसर इज हैकर्स के टारगेट पर तो हमेशा रहते हैं बिजनेस एंटिटीज। डिसएडवांटेज क्या है जी? कहता टाइम कंज्यूमिंग। एक बात जो आप ओरली बड़ी इजीली कह सकते हो, मेल पर लिख रहे हो तो बड़ा सोच समझ के लिखना होता है, क्योंकि आज की डेट में हर मेल की एक लीगल वैलिडिटी है। आपका लिखा हुआ हर वर्ड कोर्ट में एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, राइट? टाइम कंज्यूमिंग। और सबसे बड़ी बात, मेल्स को अरेंज करने में टाइम लगता है, अलग अलग फोल्डर्स में अरेंज करने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम लगता है, राइट? लिखने में टाइम लगता है मेल्स को। सिक्योरिटी, हैकर्स हमेशा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की तलाश में होते हैं, राइट? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, कहता है पर्सनल फील नहीं आती मेल करने में। अगर आप सामने जाकर फेस टू फेस बात बात करोगे तो एक पर्सनल टच आएगा, लेकिन मेल के थ्रू बात करना मतलब इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पर ना इमोशंस दिखा पा रहे, ना सेंटिमेंट्स दिखा पा रहे, ना स्माइलिंग फेस दिखा पा रहे, राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग, कहता है कभी कभी लोग इतनी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ कर देते हैं या इतने कॉमन वर्ड्स यूज़ कर देते हैं कि सामने वाला एक ही वर्ड के दो मीनिंग भी ले सकता है, चार मीनिंग ले सकता है, डबल मीनिंग वर्ड्स, राइट? या फिर जार्गन्स यूज कर रहे हो। जार्गन्स क्या होते हैं? टेक्निकल वर्ड्स, राइट? तो उनको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है इजीली। हाँ जी, वोलनरेबिलिटी। आपने जीमेल से सर्विस ली हुई है, अगर जीमेल का सर्वर ही क्रैश हो जाए तो गई सारी मेल, गई सारी मेल, राइट? तो कहता है ऑल योर इंपॉर्टेंट ईमेल्स एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट विद अ सिंपल हार्ड डिस्क क्रैश, इवन इफ यू स्टोर योर ईमेल इंफॉर्मेशन ऑन अनदर सर्वर, यू कुड लूज योर डेटा इफ दैट साइट गोज डाउन या गेट आउट ऑफ बिजनेस, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्शन। तो ये चीज, दैट मेल इज नॉट अ कॉन्फिडेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल अकाउंट कैन बी हैक्ड इजिली, सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू अदर मोड, लेकिन ईमेल अकाउंट भी हैक किए जा सकते हैं, तो 100% कॉन्फिडेंशियल नहीं कह सकते। ईमेल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एज इट लैक्स इमोशंस, एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स। ईमेल कैन नॉट बी रिलाइड इन केस ऑफ, अभी मैसेज देना है सामने वाले को, भैया सामने वाले को मैसेज तो अभी दे दोगे, मेल तो अभी भेज दोगे, पर क्या जरूरी है कि वो अभी पढ़ लेगा आपका मेल? तो वो तो अपने हिसाब से पढ़ेगा ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पड़ेगा वो तो, राइट? ईमेल डिपेंड्स ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी विच कैन बी डिस्टर्ब और डिसकंटिन्यू ड्यू टू वेरियस रीजंस। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? कहता है इंटरनेट को यूज करते हुए एक स्मॉल नेटवर्क बनाना, इंटरनेट को यूज करते हुए एक स्मॉल नेटवर्क बनाना। मान के चलो टीसीएस है, अब टीसीएस इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, जापान में भी ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है, राइट? कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को जो इम्प्लॉयज़ हैं टीसीएस के
वो इंडिया से भी काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन, राइट। उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज यूएसए में बैठ के भी काम कर रहे हैं, हो सकता है जापान पर बैठ के भी काम कर रहे हो। तो एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इंटरनेट तो हमने कहा जी देखिए पूरा वर्ल्ड जुड़ा पड़ा है, सिर्फ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कितने कंप्यूटर्स पे शेयर हो सकती है, तो ये क्या क्रिएट कर दिया हमने, इंटरनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इंट्रा मतलब विद इन, राइट। तो कहता है इंटरनेट और कुछ नहीं है, इट इज अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क स्पेशली इंटरनेट ही तो कह रहा हूँ बेटा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंटरनल विद इन, स्पेशली प्राइवेट नेटवर्क क्रिएटेड यूजिंग, ठीक है जी। इंट्रा मीन्स विद इन और इंटरनल, इट इज जस्ट लाइक इंटरनल और इंटरनेट, जस्ट लाइक कनेक्ट तो कंप्यूटर ही कर रहे हैं ना, लेकिन एसेसिबिलिटी रोक दी गई, लिमिटेड कर दी गई कि बस ये लोग इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पासवर्ड्स, बाय यूजिंग फायरवॉल्स, राइट। बट इंफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज पीपल्स हु हैव स्पेसिफिक एक्सेस। इंटरनेट कैन बी यूज टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान के चलो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और वो पूरी एक बिल्डिंग में काम कर रही है जिसके अंदर 1000 रूम्स है, हर रूम में कंप्यूटर लगा हुआ है, तो किसको अब इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर रहे हैं, लेट से एक या दो सर्वर पर। अब उन सर्वर से सारे रूम्स में इंफॉर्मेशन फेच की जाएगी बाय कंप्यूटर, किसको क्या इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके लिए बकायदा उनको एड्रेस दिया जाएगा, राइट। अब बेसिकली एड्रेस क्या होता है, हम कह रहे हैं जी दीप ज्ञान .com, ये क्या है मेरा एड्रेस, क्या कर रहे हो deepgyan.com, ये क्या है मेरा एड्रेस, कैसे पता चला ये मेरा एड्रेस है, कहता है DNS, ठीक है अपडेट करेंगे तो DNS के थ्रू पता चलेगा कि deepgyan.com कोई सर्च कर रहा है तो इस सर्वर के ऊपर, सर्वर के इस ड्राइव में, इस पोर्शन पर दीप ज्ञान के पेजेस पड़े हुए हैं, राइट। और वो डायरेक्टली वहां पर लेके जाएगा आपको। फिर एक बार पेज खुल गया इंडेक्स, उसके बाद तो HTML वर्क करेगा, जहां जहां क्लिक करते जाओगे वहां पेज जाते रहेंगे, राइट। हाँ जी, मोस्ट कंपनीज यूज देयर इंटरनेट इन प्लेस ऑफ पेपर एंड ईमेल्स बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू एवरीवन। अब इंडिया में कोई बंदा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और उसे इन्फॉर्मेशन देनी है कि भैया मैंने ये अपडेशन करी है प्रोजेक्ट में, और वो इन्फॉर्मेशन सबको देनी है जो जापान में बैठा है, जो यूएसए में बैठा है, उस प्रोजेक्ट पे काम करने लग रहा है, तो सबको कोई वो फ़ोन करके बताएगा तो दिक्कत है, सबको लेटर भेजेगा तो दिक्कत है। कहता है इंटरनेट यूज़ करेगा, इंटरनेट पर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, और सिर्फ एसेस कौन कर सकता है, स्पेसिफिक पर्सन, राइट। बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इंटरनेट कैन हेल्प यूजर्स टू लोकेट एंड व्यू इंफॉर्मेशन फास्टर एंड यूज एप्लीकेशन रेलिवेंट टू देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम बचता है हमारा, राइट। इंटरनेट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज ऑन एंड एज नीडिड बेसिस, कम्युनिकेशन बनी रहती है। अदरवाइज तो देखो ना, फ़ोन करने के केस में यार अभी करता हूँ, लेटर भेजना यार अभी भेजता हूँ, मेल भेजने में क्या फ्रॉड से काम कंप्लीट हुआ, एक मेल डाल दी कि भैया मैंने काम कर दिया तो सबको इन्फॉर्मेशन चली गई, या मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबको इन्फॉर्मेशन चली गई, राइट। अब वो बेसिकली होता कैसे है कि वो सिस्टम जो क्रिएट कर रखा है वहाँ स्पेसिफिकली एक सिंगल विंडो चैट टाइप में क्रिएट कर रखी होती है। जैसे सिट्रिक्स रिसीवर एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लो, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप इंटरनेट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हो, उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर आपने इंटरनेट सिट्रिक्स रिसीवर को यूज़ करते हुए क्रिएट कर लिया। तो सिट्रिक्स रिसीवर क्या कह रहा है कि सिर्फ ये 9 लोग ही इस इंफॉर्मेशन को या इस चैट को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपने उस सिंगल विंडो पर डाली और वो इन्फॉर्मेशन सबके पास सेंड हो गई, सामने वाला विंडो पर ही बैठा होता है, काम कर रहा है वो भी, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई उसकी रेड लाइट ग्रीन हो गई,
कि भैया कोई इन्फॉर्मेशन आई है किसी की तरफ से, इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन सामने वाले को ट्रांसमिट हो गई, राइट। वेब पब्लिशिंग, जैसे अगर मान के चलो आपने कोई कस्टमर केयर सेंटर खोला है और उस केस के अंदर आपको बिठा दिया गया है, किसी को बिठा दिया गया है फ्रंट एंड पर कि भैया सामने से लोग पूछेंगे मशीन खरीदी थी चल नहीं रही, कार खरीदी थी उड़ नहीं रही, तो आपको उसके जवाब देने हैं, वही होता कस्टमर केयर, वही होता कस्टमर केयर। अब वो बंदा जो बिठा रखा है, जो शायद 12वीं पास भी ना हो ढंग से, वही लोग बैठे होते हैं वहाँ पर कॉल सेंटर्स में, तो उसे अगर कार कैसे उड़ानी है ये पता होता तो वहाँ बैठा होता, लेकिन सॉल्यूशन तो देना है उसे, सॉल्यूशन तो देना है। तो अब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर दिया इन्होंने शुरू, कहता है कि वेब मैनुअल्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। वेब मैनुअल्स का मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ इंटरनेट पर एसेस की जा सकती है, इंटरनेट पर एसेस नहीं की जा सकती। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही कोई क्वेरी आई वो कहते हैं सर मैं पुट यू ऑन होल्ड, और इमीडिएटली सर्च करते हैं मैनुअल में डालकर, क्योंकि वेब मैनुअल अब हाथ से सर्च तो करना नहीं, वहाँ सर्च ऑप्शन में डालेंगे, ऑप्शन खुल जाएगी, सामने वाले की ये क्वेरी होगी तो ये जवाब देना है, ये क्वेरी होगी तो ये जवाब देना है, अगर कोई जवाब अवेलेबल नहीं है तो होल्ड पे डाले रखो, ठीक है। हाँ जी, तो वेब मैनुअल्स क्रिएट किए जा सकते हैं और मैनुअल्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट वे में किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है जी, एनहेंस कोलाब्रेशन, प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, तो ये सारी चीज़ें वही जो चलती है।